लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी थी, जिसकी खींच बीजेपी ने संसद परिसर में लगी गांधी, अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं को हटाकर निकाली है। आज इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इसके अलावा कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक नतीजे न आने पर बीजेपी की अंदरूनी छटपटाहट अब सामने आ गई है। महाराष्ट्र में तो पार्टी ने इतना खराब प्रदर्शन किया कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। बीजेपी की बौखलाहट का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में करारी हार के बाद बीजेपी ने संसद परिसर में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान से हटाने की कायराना हरकत की है। आज इसी सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा कि संसद परिसर से महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति हटा दी गई। ये सब खींच निकालने के लिए किया गया, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी फिल्म आने से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था और जब जनता ने इसका जवाब दिया तो इन्होंने संसद परिसर से गांधी जी की प्रतिमा हटवा दी। हमने चुनाव में संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ी तो खींच निकालने के लिए अंबेडकर जी की मूर्ति को कहीं पीछे धकेल दिया। फिर जब महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव में करारा जवाब दिया तो बदला लेने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की भी मूर्ति हटवा दी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए का फुल फॉर्म अब नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस हो गया है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, सिर्फ मोदी की गारंटी कहते थे, अब कह रहे एनडीए की गारंटी। बीजेपी अपनी खींच निकालने की कोशिश छत्रपति शिवाजी महाराज जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, नेहरू जी से क्यों कर रही है? बीजेपी अपनी खींच कांग्रेस से निकाले, हम मुकाबला करेंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।